हम बात कर रहे हैं रैप फॉर्मूला की यूजेस के ऊपर। पहले समझिए फॉर्मूला करता क्या है। फॉर्मूला जस्ट रिपीट करता है, क्या करता है, रिपीट करता है। तो रैप फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिए और हमने बोला कि भाई ये 5 बार या 6 बार रिपीट हो जाए, तो देखिए 6 बार रिपीट हो गया। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट के लिए आपको हम एक प्रॉब्लम देंगे, उसको देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सुजीत कुमार सिंह, राइट। अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम अलग करने हैं और लास्ट नेम अलग करने हैं। क्या करने हैं? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करने हैं। तो आप बोलेंगे इसकी कौन सी बड़ी बात है, मैं फाइंड का फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे वन करके लुकअप कर देता हूँ, 7 आ गया। फिर मैं यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और हमने वन कर दिया, तो ये सुजीत आ गया क्या? लेकिन सिंह कैसे आए? क्योंकि यहाँ पे तो फिर कुमार भी तो बीच में है, राइट का फॉर्मूला लगाए हुए तो तो राइट के फॉर्मूले में नंबर कैसे क्या देंगे? जैसे ईमेल एड्रेस वाला हमने किया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो तो सकता। यहां पे तो उसमें तो एक था ना, बट यहां दो है। तो इसके लिए क्या है प्रॉब्लम, यहां इस पे क्या करेंगे कि हम एक और फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब बोले सर रैप बता के फाइंड बता रहे हैं, तो कंपेयरिंग करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, इसको सिलेक्ट किया और यहां जो हम वन देते हैं ना, इट्स स्टार्ट नंबर। क्या है ये फाइंडिंग? स्टार्ट कहां से कर रही है, मतलब कि नंबर वन कैरेक्टर से हो रहा है। अगर मैं इसमें कर दूं 7 प्लस 1, क्या कर दिया, 7 प्लस 1, तो क्या होगा, 13 आएगा, राइट। अब मैं यहां पे राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि इसकी जो कंप्लीट लेन है ना, इस लेन में से माइनस कर दीजिए हमारा 13 को। रिजल्ट आ गया सर, समझे? हाँ सर ये 5 क्यों ऐड किया हमने नीचे? कहाँ फाइव किया, नहीं एक मिनट, ये 13 जो आया ये कैसे आया है? 13 आया क्योंकि हमने बोला कि जो फाइंडिंग का स्टार्ट नंबर है वो 7 प्लस 1 से शुरू करो, मतलब पहले फाइंड का जो रिजल्ट है मैं पहले स्पेस जो आया उसके बाद शुरू करो, हाँ समझे। तो उसने क्या किया, कुमार से ढूंढना शुरू किया, मिला हाँ यहां पर, तो लेकिन काउंटिंग को शुरू शुरू से किया उसने और काउंट करके 13 दे दिया। अब यही चीज का फायदा उठाया, हमने बोला कि इसकी पूरी लेंथ में से इस स्पेस तक का दूरी जो 13 है उसको माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा ना, तो 5 मिल गया इसको और सिंह निकाल दिया इसने। अब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया ये वर्क अच्छी तरह से कहाँ पे करेगा, जब 3 नंबर 3 नाम होंगे तब। अगर 2 हुआ तो आपका इसे सुजीत कुमार हम करते हैं तो प्रॉब्लम होगा, या मान लीजिए कि राजपाल यादव सिंह, तब प्रॉब्लम होगा, समझे। आप बोलेंगे कि फिर इसमें रैप फॉर्मूला क्या सपोर्ट करेगा, चलिए मुझे इसमें सिंग अलग करना है ना, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाया सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में बोला कि इसमें जाइए ब्लैंक को, जो ब्लैंक यहाँ पे स्पेस जो है, इस स्पेस को हमने बोला रैप, रैप स्पेस 99 या 100 या 200 ऐसे कुछ कर दिया हमने। इसके एक क्या करेगा कि जितने भी वर्ड्स हैं जो स्पेस है सबके बीच में 99 स्पेस का गैप दे देगा, दे दिया। अब हमें एक बड़ा से अमाउंट हो गया, फिर मैंने यहाँ पर राइट का फॉर्मूला लगाया और बोला कि इसमें से 99 लेटर को अलग कर, तो सिंह के साथ कुछ स्पेस आ जाएगा बट यादव नहीं आया क्योंकि 99 स्पेस इसमें ऑलरेडी है ना सर,
तो यहां से जब काउंट करेगा तो कुछ स्पेस छोड़ के मान लीजिए यहां तक की वैल्यू उठाएगा। और टीम फॉर्मूला कल बताया था वो क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। कैसे लगी कंसेप्ट? थोड़ी सी हंसी आ सकती है कि तो क्या किया आपने, एक कौन सा कंसेप्ट हुआ, लेकिन काम कर रहा है ना। तो सर इसको 99 को हम कम भी कर सकते हैं ना, 99, अब 99 ले लेते हैं ताकि हो सकता है, क्योंकि नाम चल चल हो सकता है 30-40-50 करेक्टर का नाम हो तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसका यूज मैंने किया था, नजर मेरे पास एक डेटा आया था, मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ डेटा डाउनलोड निकाले थे कुछ प्रोफेशनल्स के लिए सीए के लिए, तो मुझे जो डेटा आया ना वो पूरा इकट्ठा आ गया, नेम फादर नेम डेट ऑफ बर्थ फलना ठिकाना छिकाना, और लास्ट में जो था ना लिखा हुआ था ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी के लास्ट से मुझे ईमेल आईडी निकालना है तो कैसे निकालूं, तो वहां पे मैंने मेथड अपनाया। ठीक है, अब एक होगी पहली कंसेप्ट, अगर मुझे दूसरा कुछ चाहिए तो चलिए बताते हैं दूसरा कंसेप्ट। अरे एक बार वापस जाना शीट पे, बोलिए। ऐसे ऐसे वाले फॉर्मूलेज में अगर एक मतलब एक है उसमें तो समझ में आती है, बट जैसे अगर ह्यूज डेटा है तो उसमें क्या एप्लीकेबल होगा ये? अरे इसको कमर्स कर लेंगे ना, अब लग रहा है कि अलग अलग सेल में किया हुआ है, इसकी दिक्कत हो रही है आपको। नहीं सेल अलग अलग नहीं, जैसे ये ऊपर हमने राज और यादव से हमने तो फिक्स करना है कि हमारा लास्ट हर यहाँ पे मेरे पास नाम चाहे जितना भी हो, दो डिजिट दूर दो का हो चार का हो दस का हो, हमें पता है कि हमें लास्ट स्पेस के बाद की जो कैरेक्टर उसको निकालना, तो वहां पे डेटा जितना भी बड़ा हो सब पे होगा। ये आप तीन अलग अलग सेल पे लगाए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको जो मैंने फॉर्मूला मर्जिंग मेथड बताया था उससे मर्ज कर सकते हैं। मैंने कॉपी किया यहाँ B13 पे इसके पेस्ट कर दिया, फिर वापस इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ B39 पे पेस्ट कर दिया, मतलब कि इन दोनों को मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब इसको कट करके इसके सामने डाल दिया, अब यहाँ पे नाम कुछ भी हो जैसे जीत कुमार आ गया, यहाँ पे राजू के आर शर्मा हो गया, मोहन पांडे हो गया। अब देखिए ड्रैग कर लीजिए, सबका लास्ट में मलक कर देगा, समझे? सर ये नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी जैसे ईमेल एड्रेस वाला भी हमने किया था तो उसमें जैसे हम फर्स्ट मतलब आईडी आईडी को सेपरेट करते हैं तो हम लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और हम जितने भी वो कैरेक्टर्स हैं उतना कॉमा लेफ्ट के बाद मतलब टेक्स्ट के बाद वो डालते हैं, तो वो सिंगल एक डेटा पे तो वर्क कर रहा है, लेकिन अगर यूनिक नहीं है मेरी फील्ड्स कोई किसी में 4 से स्टार्ट हो रहा है, किसी में 5 से हो रहा है, किसी में 6 से हो रहा है, तो वहां पे हर एक में अलग अलग जाके लगाएंगे। करेक्टर से नहीं काउंट कर रहे हम, तो काउंट ये दिख रहे हैं ना कि एट द रेट को लुकअप करवा रहे हैं ना, एट द रेट नहीं आईडी जो सेपरेट कर रहे हैं वो तो लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं और प्लेस जितने पे होता है वो डालते हैं ना। मैंने समझाया था ना कि आपके जो डेटा है ना डेटाबेस कंडीशन देखना होगा कि आखिर इस डेटा के अंदर क्या यूनिक कंडीशन है, उसके बिहाव से कंडीशन लगेगा। जैसे यहाँ पे यूनिक है कि भाई लास्ट के स्पेस के बाद का लेना, पहले चाहे जितना स्पेस हो मतलब नहीं है, लास्ट स्पेस के बाद लेना, तो इस हिसाब से मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो आपके जो डेटा होंगे उसको डेटा देख के पता करना होगा कि भाई इसमें किसके बाद लेना है, तो एक कंडीशन होगा ना कि हाँ इसके बाद लेना है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा फिर। लेकिन आपका कंडीशन हर सेल में चेंज हो रहा है तब तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ वही कह रही हूँ मैं। तो अब मान लीजिए आपका लास्ट स्पेस नहीं है, अब किसी सेल में आपको 2 स्पेस के बाद लेना है, किसी में 4 के बाद लेना है, तो ये तो मैनुअल हो जाएगी ना फिर पूरी की पूरी। देखिए सिस्टम चलता है, सिस्टम चाहे फॉर्मूला चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर चलता है कंडीशन में, जब तक इसको कंडीशंस नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं लगा सकते, तब मैनुअल वर्क हो जाता है, समझ गए?
यस सर तो आपके डेटा में कल ही चीज को एक्सप्लेन किया था कंडीशन जैसे मैं लास्ट जो कल जो ईमेल आईडी वाली बताया था आपको वो एट द रेट फिक्स था ना हमारा और जो आपको रिप्लेस फॉर्मूला बताया था जिसको आप बोल रहे थे कि रिप्लेस में या लेफ्ट से ले लें तो वहां पे कंडीशन हुआ कि हाँ चार डिजिट फिक्स है हमारा जैसे एम्प्लॉई कोड आपका एक फिक्स डिजिट का होता है ना या मान लीजिए आपका जो ये है आपकी वेबसाइट है अगर आईडी अलग अलग है वेबसाइट आपका सेम है तो वेबसाइट के डिजिट आपका फिक्स होगा उस हिसाब से अलग कर लेंगे तो बहुत सारी चीज में होता है एक कोई ना कोई एक फिक्स चीज देखना पड़ता है उसके हिसाब से चलता है आगे चल के हम आपको इस तरह के चीजों पर काम कराएंगे जो अननेसेसरी डेटा वगैरह उस पर हम बात करना सिखाएंगे आगे क्लासेस में ठीक है।